गाइस, इट्स अ ग्रेट डे, इट्स अ ब्यूटीफुल डे। आप सबका स्वागत है मेरे चैनल पे। मेरा नाम आकाश मल्होत्रा, एक ए वंडर विद स्काई। और आज के एपिसोड में हम पहुंच चुके हैं नीति वैली खत्म करने के बाद। जैसे हम बाहर निकले, हम आए एक छोटे से गांव में जिसका नाम है तुगाशी। पिछले ब्लॉग में याद है, अब हमें अमित मिला था जो कि एक अकेले से टेंट में सो रहा था। ये रहा वो लोनर। हेलो, वेलकम टू द ब्लॉग भाई, थैंक यू फॉर गेटिंग अस हियर। बहुत सुंदर जगह लग रही है। तो इस गांव में कितने लोग रहते हैं? अराउंड 200 के आसपास। और यहां घर है, ऊपर घर है? ये नीचे का विलेज है और ऊपर का भी एक सेम विलेज तुगाशी। कितना ऊपर है? अराउंड 500 मीटर्स। अच्छा, वो ऐसे चलते जाना पड़ता है। बिजली पानी सब परफेक्ट, सब कुछ है, काफी डेवलप्ड है। और ये कौन सी पीक है सामने आपको? द्रोणागिरी दिखता है। द्रोणागिरी दिखता है, नंदा देवी का है? नंदा देवी आपको थोड़ा ऊपर चढ़ के देखोगे तो उस तरफ दिखेगा, उस तरफ दिखेगा। तो सब चढ़ चढ़ के आज हम कर ही लेंगे, डोंट वरी। जा रहे हैं तुगाशी गाँव में अपना पूरा गेट लेके। यूजली हमारे पास दो दो होते हैं, पर इस बार मैंने शिवम से डिसाइड किया, वी विल ट्रैवल लाइट। देखो, वी आर ट्रैवलिंग लाइट। शिवम, वी आर ट्रैवलिंग लाइट वेरी मच। एक भाई हमारे एक और बैग लेके जा रहे हैं। ऊपर वाला घर है, सबसे ऊपर वाला, और ऊपर नहीं मिला, ऊपर वाले गांव में ले लेता। कभी कभी दुनिया से परे कुछ ऐसी जगहों पे आना चाहिए जहाँ पे जीने का एहसास हो, और वही एहसास करते हुए आज मैं पहुँच चुका हूँ उत्तराखंड के एक गांव में जिसका नाम तुगासी है। एक वैली के बीच में पूरा गांव बेस्ड आउट है। ये वही गांव है जहाँ से क्वारी पास और पांगाचुला ट्रैक का रास्ता भी निकलता है। तो आप इस गाँव को क्रॉस करेंगे। इस गाँव में पहुँचने के लिए हमें उत्तराखंड में तपोवन नाम का एक शहर है, उससे वहाँ से ऊपर 10 किलोमीटर आना पड़ता है। तपोवन जोशीमठ के एकदम नेक्स्ट है। अगर आप चारधाम यात्रा में आ रहे हैं तो आप जोशीमठ पक्का क्रॉस करेंगे। एंड वहाँ से ये कुछ 10-15 किलोमीटर है। जो शोर शराब है उससे बिल्कुल दूर इस जगह पहुँच चुके हैं, और अब हम जा रहे हैं इस विलेज को और इसके कल्चर को एक्सप्लोर करने के लिए। पीछे आप ट्रेल देख सकते हैं, हम इस ट्रेल से ऊपर जाएंगे और उस पहाड़ के पीछे खेत है। सो लेट्स गो फॉर द फर्स्ट पार्ट एंड सी द ब्यूटी ऑफ दिस वैली। आधा रास्ता भी बाकी है। चलो बॉयज, क्यों रुक गए? ओ भाई, छोड़ दे अपना फोन, छोड़ दे, पहाड़ चढ़ ले। Guys, it's a great day, it's a beautiful day, और आज हम निकल पड़े हैं तुगाशी गांव से और हम जा रहे हैं टू वन ऑफ द मोस्ट फेमस ट्रैक्स इन उत्तराखंड जिसका नाम है द वैली ऑफ फ्लावर्स। जाते जाते हम लोग थोड़े से वैसे हो जाते हैं, जब भी कोई किसी बढ़िया सी जगह से हम निकल रहे होते हैं ना, वी गेट अ बिट इमोशनल, क्योंकि एक इमोशनल कनेक्ट हो जाता है उस वैली से। यहाँ की वाइब बहुत 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 प्यारी थी। सामने धोलागिरी, सामने नंदा देवी, बहुत खूबसूरत गांव की सबसे अच्छी बात क्या थी? गांव में 40 कुछ परिवार है, तो आप लगा लिए 250-300 लोग होंगे मैक्सिमम। और वो भी हमारे गांव, हमारे वाले गांव में तो 250 भी नहीं होंगे, जो हमारा छोटे मतलब दो है, पर दो गांव थे, इन टोटल 200 लोग होंगे, और नीचे 80 से ऊपर लोग नहीं होंगे। तो यूजली लोग इस गांव को क्रॉस करते हैं पर ज़्यादा रुकते नहीं है। तो आई वुड रियली रिकमेंड कि अगर आप लोग आ रहे हैं उत्तराखंड और नीति वैली जा रहे हैं, तो एक दो दिन आके गांव में भी पक्का रुकें, काम वाम करें, चिल करें, क्योंकि गांव की बहुत चीज़। होम स्टे में हम रह रहे थे, दैट वॉज अनदर ब्यूटिफुल पार्ट। अगर अगैन मैं होम स्टे वाले अंकल का नंबर नीचे डाल रहा हूँ डिस्क्रिप्शन में कि आप उन्हें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं अगर आप यहाँ आ रहे हैं। डेफिनेटली लोकल टूरिज्म को पुश करना चाहिए। अंकल भी काफ़ी अमेज थे, तो अंकल को हम वो रिक्वायर्ड पुश देंगे। मैं आपको बता रहा हूँ, मतलब आपको मज़ा आ जाएगा, इतने हम्बल लोग हैं, इतने प्यार से खाना खिलाते हैं, यू फील लाइक कि आप अपने नानी के घर आए। अब हम जा रहे हैं टूवर्ड जोशीमठ, और जोशीमठ से हमारा जो पहला स्टॉप होगा टूवर्ड वैली ऑफ फ्लावर। हम गाड़ी खड़ी करेंगे कहाँ पे? गोविंद घाट। गोविंद घाट में गाड़ी खड़ी करने के बाद हम लोगों को जाना है वहाँ से 10 किलोमीटर ऊपर, जिसमें से हाँ घांगरिया, जिसमें 4 किलोमीटर गाड़ी जाएगी, बाकी 6 किलोमीटर हमको ट्रैक करना है। 6 किलोमीटर में ट्रैक घांगरिया में हमारा होटल वोटेल, एक लड़का है भाई, उसका क्या नाम था? अनिकेत। अनिकेत, फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांट टू गिव अ ह्यूज शाउट आउट टू अनिकेत। अनिकेत हमें इंस्टाग्राम पे मुझसे कनेक्ट किया, एंड देन ही इज बीन हेल्पिंग अस विद द पास एंड ऑल। और अनिकेत ने हमारी बुकिंग कराई है एट घांगरिया। सो अगेन अनिकेत, थैंक यू सो मच। अनिकेत की कंपनी भी है जिसमें वो ट्रैकिंग करता है। मैं अनिकेत की कंपनी और उसका इंस्टाग्राम अकाउंट नीचे डाल रहा हूँ, तो प्लीज चेक हिम आउट। एनीवन हु वांट्स टू एक्सप्लोर और उनको लगता है कि किसी की असिस्टेंस की जरूरत है लोकल, तो दिस इज द लीड जो हमें मिली।
हम पहुंच चुके हैं अभी इस समय. मैं हूँ ट्रेल पे एंड हेडिंग टूवर्ड्स आर फर्स्ट डेस्टिनेशन फॉर द नाइट. ये सिलसिला शुरू हुआ हमारा, हमने आज जांसकर पार्क कर दिया इन गोविंद घाट, और गोविंद घाट से हमने ली एक टैक्सी जिसने हमें चार्ज किया 500 रुपये फॉर द फुल टैक्सी, पर अगर आप शेयरिंग से आते हैं तो 50 रुपये पर पर्सन अनटिल पूना गाँव. और पूना गाँव से ट्रैक शुरू होता है. पूना गाँव से हमें बताया गया है दिस वुड बी अराउंड 10 किलोमीटर्स टू एक गाँव है जिसका नाम है घांगरिया, जहाँ पर आपको रात के होटल मिल सकता है. और घांगरिया के बाद नेक्स्ट मॉर्निंग वैल्यू फ्लावर्स अराउंड 4 किलोमीटर और. तो इन टोटल अगर हम पूना से देखा जाए तो 28 से 30 किलोमीटर का ओवरऑल ट्रैक है. काफ़ी वेल डेवलप्ड रूट, आप देख सकते हैं पीछे मेरे पूरा स्टोन्ड रूट अभी तक. इनफैक्ट यहाँ बस हाइकिंग के जूते नहीं, स्पोर्ट्स शूज पहन के आना चाहिए, हाइकिंग के जूते तो यहाँ पर फेल है. हाँ भाई, अब 2 किलोमीटर चढ़ दिए, ऐसा माइल स्टोन कह रहा है पर मेरे को लग नहीं रहा. घंटा 2 किलोमीटर हुआ है. गाइज ऑलमोस्ट अब हमें हो चुके हैं, चलते हैं 4 किलोमीटर. और हमें यहाँ पे हरी जी मिले हैं जो ये आए हैं नेपाल से, और उन्होंने हमें ऑफर किया कि ये हमारे बैग ले जाना चाहेंगे. तो हमने फिर सोचा इट्स ओके, मतलब ट्रैक लंबा है, गेयर बहुत ज़्यादा है, प्लस दीज गाइज आई हैड टू अर्न अ लिविंग, तो इसलिए हम मान गए. यूजली हम करते नहीं है, वी नेवर गेट पोर्टर्स, बट लास्ट ट्रैक आई रियलाइज इट्स बेटर टू गेट पोर्टर्स सो दैट आई एम इन गुड शेप फॉर वेन द एक्सट्रीम कम्स. तो यहाँ से लेके घांगरिया तक हदीजा में लेके जा रहे हैं. यहाँ पे आपको रास्ते में बहुत सारी शॉप्स मिल सकती हैं. शिवम पेश किया जाए म्यूजिक. नो प्लास्टिक ओनली चना सीधे मुंह में. आहा हा, प्राकृतिक आनंद तो ले लो. लोग सिंपल मैसेज में जाते हैं. लोग ये कुछ 20 बार जा चुका है, 20 बार हेलीकॉप्टर. अब सोच रहा हूँ वापस आए टाइम तुम लोगों को हेलीकॉप्टर के दर्शन करा ही दूँ. क्या बोल रहे शिवम, वापस आने हेलीकॉप्टर करे? घाटी जैसे बेयर ग्रिल्स जैसे हिंदी में आता है ना डब, घाटी से उतरने के बाद अब मुझे दूसरी घाटी में जाना है, और उससे सबसे सही तरीका ये चॉपर ही होगा. एक और स्टॉप और अब हम कवर कर चुके हैं ऑलमोस्ट 5 किलोमीटर. सिचुएशन अब ये कि यहाँ से आगे जो गांव है जहाँ पे आज हमारा स्टे है दैट वुड बी बढ़िया जी. यहाँ से कुछ 2 किलोमीटर और है हमारा घांगरी, जहाँ पे आज हम रात रुकेंगे, और फिर उसके बाद कल हम निकलेंगे टूवर्ड्स वैली ऑफ फ्लावर्स. और यही आपको भी करना है पड़ेगा, तो जस्ट मेक श्योर यू बुक योर अकोमोडेशन इन घांगरी बिफोर हैंड. हमने भी वही किया है जैसे हमने बताया, वी हैड अ लोकल कॉन्टैक्ट लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाला है, विच कैन हु कैन डेफिनेटली हेल्प यू. Morning guys, it's a great day, it's a beautiful day. और आज हम निकल चुके हैं घांगरी से, और we are heading towards the Valley of Flower. आप देख सकते हैं मेरे पीछे ये रास्ता गया towards the Valley of Flower, और ये रास्ता गया straight to Hemkund Sahib. यहाँ से Valley of Flower कुछ 4 किलोमीटर का, और Hemkund Sahib कुछ 6 से 7 किलोमीटर. अब यहाँ से ये जितनी भी जनता है इन सब डाइवर्सिफाई कर रहे हैं, और यहाँ से उम्मीद ये है कि अब जनता कम हो जाएगी, इस रास्ते से थोड़ा ट्रैक वाली फीलिंग आएगी. पगडंडियाँ शुरू हो चुकी हैं. कल रात को रुके हम घांगरिया में, हमारा रूम ऐसी हल्का फुल्का सा था, 1500 पर 3 बंदों ने शेयर किया रूम, तो उतना ही हुआ होगा. रात को पहुँचे और बस सो गए. अभी टाइम हो रहा है कुछ 8, एंड वी आर एक्सपेक्टेड टू टेक 2 आवर्स टू रीच टू द वैली. तो दोस्तों अब हम यहाँ पे ले रहे हैं पास. कितने का पास है? 150 पर पर्सन फॉर इंडिया एंड 600 फॉर अ फॉरनर. अच्छा, यहाँ से कितने किलोमीटर होगा? 4 किलोमीटर जाने के बाद एक कच्चा ब्रिज जाएगा, उसके बाद ही स्टार्ट, उसका स्टार्ट हो जाएगा. फिर उसका अंदर कितना आ सकते हैं? 5 किलोमीटर में है, आप कितना घूम सकते हैं? 5 किलोमीटर घूम सकते हैं, तो मतलब एक दिन में आ सकते हैं जाके. जहाँ पे आपको 1.5-2 बज जाएगा
वहाँ से मुड़ जाए, डेढ़ दो बजे स्टॉप पर रखें टाइम, क्योंकि बाद में कोहरा कोहरा भी आ जाता है। अच्छा कोहरा भी आ जाता है, अच्छा ठीक है। ट्रेल शुरू हो चुकी है, शुरू होते हमें दर्शन दिए बर्फ ने। यहाँ थोड़ा आगे लग रहा है कि हाँ ट्रैक शुरू हुआ है कहीं जाने के लिए, वरना कल का दिन तो ऐसा था ऐसा लग रहा था वैष्णो देवी जा रहा हूँ, इतना इतने लोग इतनी जनता है। टेल यू दो किलोमीटर आ चुके आधे रास्ते और चढ़ाई नहीं खत्म हो रही। Look at that beautiful peaks of the Nanda Devi range. 3.5 kilometers हो गए, आधा किलोमीटर और जहाँ से वैली शुरू होगी। And check this out, क्या ब्रिज है, मौत का सौदागर। Finally, डेढ़ दिन के बाद we have reached to this beautiful valley जिसका नाम है फूलों की घाटी, aka the Valley of Flowers. आपको कुछ फ्लावर्स नहीं दिख रहे होंगे, it would be looking very lush green to you, मगर ये पूरी वैली यहाँ से लेके आगे 5 kilometers तक इज फुल ऑफ फ्लावर्स। आप देख सकते हैं जितना भी ग्रीन पैच है, दीज आर ऑल बर्ड्स, फ्लावर बर्ड्स, और ये सब अभी खिलखिलाएंगे, बट अभी खिलखिलाए नहीं है। हमें लगा था कि चूंकि ये एक स्पेसिफिक डेट को ट्रैक खुलता है, तो ये ट्रैक तभी खुलता है आफ्टर दीज बर्ड्स हैव ब्लॉसम्ड। अगर आई वॉन्ट गिव आउट अ ह्यूज सजेशन टू द गवर्नमेंट ऑफ उत्तराखंड कि यार अगर आप लोग एक स्पेसिफिक डेट को ये ट्रैक खोल रहे हैं तो कृपा करके प्लीज़ उस डेट पे खोले जब ये ट्रैक चालू करने के लायक है। अभी एक महीना और चाहिए इस रीजन को खिलखिलाने के लिए, एंड बिकॉज हमारी रिसर्च इतनी अच्छी नहीं थी, वी डिडंट रियली लुक इनटू इट कि एक्चुअली में यहाँ फ्लावर्स मिलेंगे नहीं मिलेंगे, बट कोई बात नहीं, ये व्लॉग यहाँ ख़त्म नहीं होता है। आई विल बी बैक इन 2 months मेरी यूरो ट्रिप के बाद, और हम मैं आपको यहाँ पे फ्लावर्स दिखा के ही जाऊँगा चाहे कुछ भी हो जाए। दिस इज नंदा देवी नेशनल पार्क और ये है द वैली ऑफ फ्लावर्स, एंड फॉर नाउ आई विल गेट इन टू शोइंग यू सम सिनेमैटिक्स ऑफ दिस ब्यूटीफुल वैली, और आप लोग इन्जॉय करिए। मगर ये सफ़र यहीं ख़त्म नहीं होता है, आई विल मेक श्योर कि आप लोगों को मैं ये वैली इन इट्स फुल ब्यूटी दिखाऊँ। सुंदर तो बहुत है, तो एक जाम इस खूबसूरत वैली के नाम, लेट्स स्टार्ट द सिनेमैटिक्स। 3, 2 के साथ हम फाइनली पहुंच चुके हैं टू द लास्ट लेग ऑफ दिस ट्रिप। अब है स्ट्रगल शुरू, यहाँ से वापस गांगरिया, गांगरी से गोविंद घाट, ऑलमोस्ट 10 kilometers कवर करने का। बहुत अच्छा टाइम था, एंड इनफैक्ट हमें यहाँ पे एक बंदे मिले, आजा ब्रो। तो अगर आपने देखा होगा हम लोग गए थे गुवाहाटी और उसके बाद हम लोग थे नॉर्थ ईस्ट में, तो भाई हमारे आए हैं। हाय, मैं हार्दिक, असम का, गुवाहाटी का रहने वाला। वेरी गुड, फैन मोमेंट। अरे अरे बड़ी बड़ी नो फैन मोमेंट यार, तो भाई चाह रहा है। और यहाँ पे कैसे पहुंचे? यहाँ पे हम आए, दिल्ली एग्जाम देने आए थे, फिर 7 दिन था तो वादिया देख लिए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। दादा था सपोज टू बी दादा। व्हाट्स योर गुड नेम बड़ी? अमनजीत। अमनजीत, ओडिशा। ओडिशा, हार्दिक कैसा लगा ये वैली? पहली बार आए हो पहाड़ों में? पहली बार। नॉर्थ इंडिया? नॉर्थ इंडिया फर्स्ट टाइम। फर्स्ट टाइम नॉर्थ इंडिया। हम पहुंच चुके हैं इस ब्लॉग के एंड में, सो थैंक यू सो मच फॉर ऑल द लव एंड सपोर्ट। फूल तो दिखे नहीं पर वादिया दिख गई। कसम है आप सबके सामने कि वापस हम जरूर आएंगे। शिवम आएंगे? आएंगे या नहीं आएंगे? फुल पावर आएंगे। तो अब आएंगे अगस्त में कि जब भाई यूरोप से वापस आने वाले, विल टेक चॉपर नीचे से, और फिर हाइक करेंगे 4 kilometers, फिर वैली को शूट करेंगे क्योंकि दिल्ली यहाँ पे रहते हैं। और सेम डे गोली। अगर आप हेलीकॉप्टर से आना चाह रहे हैं तो 2750 rupees में आप हेलीकॉप्टर से 1 way आ सकते हैं, विच आई फील इज वेरी डिसेंट फॉर द एक्सपीरियंस जो वो 10 kilometers में आप करते हो। मतलब ऐसे ट्रेल है, पहाड़ ऐसा स्टीप है, पीछे बंदा। सी यू देन बॉयज। 3, 2, 1